तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर दो से अधिक चैनल बनाए आपने तो वो मोनेटाइज होगा कि नहीं। एक भाई है, उसने एक दो से अधिक चैनल बना दिए थे तो उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसीलिए वीडियो को लंबी न खींचते हुए मैं आज आपको ये बताऊंगा कि दो से अधिक चैनल बनाने पर क्या मोनेटाइज होगा। उस भाई का चैनल था और उसका चैनल मोनेटाइज था पहले से, समझ लो पहले से मोनेटाइज था, तो उसने उससे अधिक दो चैनल या तीन चैनल बना दिए। एक चैनल उसका मोनेटाइज था, फिर उसने दो चैनल और बना दिए फोन में। तो जो दो चैनल न्यू चैनल बनाए थे उनकी वजह से वो जो पहले वाला मोनेटाइज चैनल था वो डिमोनेटाइज हो गया। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, वो चैनल डिमोनेटाइज हो गया। देखिए मैं आपको चैनल दिखाता हूँ, वो कौन सा चैनल है ये देखिए, ऊपर जो आपको दिख रहा है ये चैनल टॉलीसू रोस्टर ब्लॉगर। क्या नाम है इस चैनल का? नाम है टॉलीसू रोस्टर ब्लॉगर। इस भाई का चैनल ये मोनेटाइज था, ठीक है, इससे हमारी बात हुई है। इस भाई का ये चैनल मोनेटाइज था और इसने क्या किया उसके बाद, जो इसका चैनल मोनेटाइज हो गया उसके बाद इसने दो चैनल और खोल दिए उसी फोन में। देखिए ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर एक ही चैनल रखा और आपने दूसरा चैनल खोल दिया तो मोनेटाइज चैनल डिमोनेटाइज हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए एक फोन में दो चैनल खोल सकते हैं, लेकिन ये दिक्कत इनके साथ हुई है, ठीक है, देखिए इनके साथ हुई है, तब मैं आपको ये बता रहा हूँ जाए, इसीलिए बता रहा हूँ। इन्होंने इनके लेकिन मोनेटाइज एक चैनल था और इन्होंने तीन चार चैनल खोल दिए एक ही फोन में, किसमें एक ही फोन में इन्होंने तीन चार चैनल खोल दिए, तो इसीलिए इन पर भी कॉन्टेंट आ गया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इन्होंने दिखाया भी है मेरे पे आया, देखिए ये देखिए ऊपर दिख रहा है आपको, इनका रीयूज कंटेंट की वजह से चैनल मोनेटाइज था, वो चैनल भी डिमोनेटाइज कर दिया। इसीलिए मुझे लगा बड़े क्रिएटर आपको नहीं बताते हैं, इसीलिए मैं भी छोटा क्रिएटर हूँ, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसीलिए इस भाई का चैनल डिमोनेटाइज हो गया, मोनेटाइज था डिमोनेटाइज हो गया। दो से अधिक चैनल इसने एक ही मोबाइल में खोले, एक ही मोबाइल में, ऐसा नहीं दूसरे मोबाइल में खोलोगे तो आपका वो मोनेटाइज डिमोनेटाइज होगा, ऐसा नहीं है। अगर एक मोबाइल में दो से तीन या चार चैनल खोलते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है, मैं यही बताना चाहता हूँ। तो इसीलिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें।